चैप्टर नंबर 10 जीने की कला जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि जीवन का सबसे बड़ा काम कौन सा है, तो हंसी खुशी से जीवन को बिताना। कि हमारा जीवन जो है वो केवल हमारे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, कि हमें भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश करना है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है वो केवल हमारे अकेले की जायदाद नहीं है, उसका दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखते हैं, तो हमारा जीवन एक शीशा घर है। शीशा घर, शीशा यानी कांच, कि हमारा जीवन कैसा है, कांच का घर है, कि यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। आप लोगों ने देखा है शीशा घर, जिसमें अगर हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हम एक ही होते हैं, लेकिन अलग अलग शीशों में हमारा प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार हमारा जीवन जो है वो भी शीशा घर है, बराबर। कि यहाँ पे हमारे चेहरे का प्रतिबिंब जो है वो एक ही समय में सैकड़ों लोगों के ऊपर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई, छाया यानी कि उदासी, कि अगर एक चेहरे पर भी उदासी आ गई तो वह छाया यानी कि वह उदासी सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। कि अगर ये हमारे साथ, पहले भी मैंने बताया कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार वाले, मित्र आदि आदि, तो अगर हम मुरझा गए या हमारे चेहरे पर उदासी आई तो हमारे साथ जुड़े हुए सैकड़ों चेहरों के ऊपर उदासी छा जाएगी। इसमें से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, बराबर। कि अगर हम पैसा, सोना चांदी, गहने आदि को हमारी व्यक्तिगत जायदाद हम कह सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है वो हमारा व्यक्तिगत जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी, जायदाद यानी प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम, मैंने पहले ही कहा कि हमारा जीवन कौन क्या है, शीशा घर है, कि हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों के ऊपर पड़ता है। कि जिस प्रकार अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो उसका प्रभाव माता पिता पर भी पड़ेगा, अगर कोई बुरा काम किया तो उसका प्रभाव भी उन पर पड़ सकता है। यानी कि हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब यानी परछाई एक ही समय में सैकड़ों लोगों के ऊपर पड़ता है। कि मनुष्य जो कुछ भी अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भी भाग होता है, दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके अंदर केवल हमारे अकेले का भाग नहीं है, बल्कि सभी का भाग है। इसलिए कि हमारा जीवन हमारी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। कि दरिया के अंदर पहले एक ही लहर उठती है, मगर उस एक ही लहर से उसके बाद अनगिनत लहरें बन जाती है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भी भाग होता है। हमें इतना याद रखना है कि इस पृथ्वी के ऊपर हमारे अकेले का कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसमें सभी का हक है, दूसरों का भाग भी है, हमें पता होना चाहिए। हमारी कोई भी खुशी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएंगे। कि अगर हमें कोई किसी बात की खुशी अगर नहीं मिल सकती, अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे हों तो हमें भी हमारी खुशी खुश नहीं कर सकती। अगर हम उदाहरण देखें तो आपके क्लास का अगर रिजल्ट आया हो तो उसमें सभी लोग फेल हैं और केवल आप अकेले ही पास हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि आप पास हो गए हैं, और आपके चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो गए क्योंकि सभी जो हैं वो फेल हो गए हैं, तो उस समय आप खुश हैं। फिर भी आपकी खुशी आपको खुश नहीं कर सकेगी, क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ तो उदास चेहरे जमा हुए हैं। कि हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं। कि लेखक क्या कहते हैं कि हमें खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश करना है, दूसरे की खुशी को देखकर हमें भी खुश होना है, किसी को उदास नहीं करना है। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों ने खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। कि ये जो धर्म है, फिलोसॉफी है, सदाचार जो है, ये तीनों ने भी हमारे जीवन की समस्या को हल करना चाहा, लेकिन उनसे भी ये हल
नहीं हुआ और खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे उतना ही ज्यादा धार्मिक और फिलोसॉफर और सदाचारी है। लेखक क्या कहते हैं यहाँ पे, बुझा दिल, सूखा हुआ चेहरा आदि। इसका मतलब क्या है कि बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार के प्रतीक है कि जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ चेहरा, चांद का हंसता हुआ चेहरा, ये सब है, वहां पे हम कभी भी अपने आप को उदास नहीं कर सकते कि संसार के लोगों ने क्या मान लिया है कि जो आदमी जितना भी बुझा बुझा रहता है, सूखा चेहरा लेकर फिरता है, उतना ही वो धार्मिक और फिलोसॉफर है और सदाचारी है। ऐसा लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही खुश रहता है हर रोज तो उसे पागल में गिनती की जाती है। अगर हम बिना वजह से खुश रहने की कोशिश करते हैं तो हमें किस में गिनती हो जाती है, पागल में। लेकिन जो व्यक्ति एकदम धार्मिक और फिलोसॉफर कौन देखता है, जो सूखा हुआ चेहरा और बुझा हुआ दिल लेकर घूमता है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया के सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के चार शब्दों से हल नहीं कर सकते कि हमारे जीवन की जो गुत्थी है, जो समस्या है, उस समस्या को दुनिया ने सैकड़ों वर्षों से सुलझाना चाहा है लेकिन वो सुलझा नहीं सके, और उस समस्या को आज हम हंसी मजाक के चार शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर ये तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती, बराबर, कि भले ही हम उस समस्या का हल नहीं ला सकते लेकिन सत्य जो है वो तो है ही। सत्य की ओर से हम हमारी आंखें चार नहीं कर सकते या बंद नहीं कर सकते। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसॉफर सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते यानी नहीं रह सकते कि जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। कि हमारे प्रकृति के रचयिता, सृष्टि के रचयिता कौन है, विश्वकर्मा, कि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, कि विश्वकर्मा ने जिस चित्र को खींचा है, जिस सृष्टि की रचना की है, उस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक है, चांद का हंसता हुआ चेहरा है, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें है, पेड़ों का नृत्य है, पंछियों का संगीत है, बहते हुए पानी की तरंगे हैं, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है। वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। कि आपको प्रश्न भी दिया है कि हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं पा सकते, तो जिस चित्र में ये सब है कि सूरज का चमकता चेहरा, चांद का हंसता चेहरा, झिलमिलाती आंखें, तारों की झिलमिलाती आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछी का संगीत, बहते पानी की तरंग, खिलते फूल, ऐसी प्रकृति, खुशहाल प्रकृति के अंदर हम उदास चेहरा लेकर स्थान नहीं पा सकते। कहने का मतलब कि इन खुशहाल प्रकृति के तत्व जो है उनके साथ हमें भी खुश रहना चाहिए। प्रकृति की इस रूप शोभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष यानी छाती में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो। कि इस खिली खिली प्रकृति के अंदर कैसा व्यक्ति रह सकता है, तो जिसकी छाती के अंदर एकदम दमकता हुआ दिल हो, चेहरे पर चमक हो, चमकीली आंखें रखता हो, चांदनी में चांद की तरफ निहार कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। पूरे पाठ का मतलब यही है कि हमें हमेशा खुश रहना है, लोगों को भी खुश रखना है, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो हमारे अकेले का नहीं है, और इसलिए खुशी से जीवन काटने की जो कला है, आर्ट है, वो हमें सीख लेना चाहिए। मतलब कि हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थितियाँ आए, हमें हमेशा खुशी खुशी से ही जीवन जीना चाहिए। थैंक यू।